हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अनमोल जायका में आप सबका स्वागत है। आज मेरी मम्मी बनाएंगे मुंबई का फेमस वड़ा पाव। तो इसके लिए हम लेंगे एक पैन, उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर उसके अंदर हम 4 से 5 कड़ी पत्ते डाल देंगे और थोड़ी सी राई डाल देंगे और 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, फिर इसमें हम 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, फिर इसमें 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, फिर उसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें बॉईल किए हुए पोटैटो को मैश कर डाल देंगे, फिर उसे मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें 2 बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा कोथमीर डाल देंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हमारा वड़े का मसाला एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसमें वड़े के साइज के बॉल्स बना लेंगे। फिर हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम 3/4 कप बेसन डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी को ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ना ही तो ज़्यादा पतला रखना है। आप देख सकते हैं अभी ये स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें कंसिस्टेंसी रखना है। अब हम जो वड़े के बॉल्स बनाए थे वो उसमें इसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से कोट कर देंगे। फिर हम गरम गरम तेल में इसे फ्राई कर लेंगे। इसे बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करना है, इसे जलाना नहीं है।
जब हमारा वड़ा कुछ ऐसा दिखे तो हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमारा वड़ा पाव एकदम रेडी हो चुका है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनता है। फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को देख तो लेते हैं बट ना ही इसे आप कभी लाइक करते हैं ना ही तो शेयर। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करो प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।